Assalamualaikum friends, this is your host and friend of Mesa Basi, back with a new video. तो यार आज की वीडियो में आप लोग से बात करें कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 जो है वो खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए. कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च किया गया है, उससे पहले इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A31. अब ये फ़ोन जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी. तो ये दोनों चीज़ों के कंपैरेटिव में बात करूँगा कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और कुछ स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, प्राइस डिस्कस करेंगे एंड छोटी छोटी खामियाँ जो इस फोन में मुझे लगी वो डिस्कस करेंगे. तो भाई चैनल में फर्स्ट टाइम आया एंड सेकेंडली अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो भाई अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करके 20 लाइक्स एंड हम इंस्टाग्राम पे भी तुम मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं बाय द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट दिस वीडियो. तो यार सैमसंग गैलेक्सी 31 सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर आते हैं. तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसके जो फ्रंट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल्स का, और ये जो स्क्रीन है इसमें वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, इसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा है. अब यही थोड़ी सी इसकी जो है लो पॉइंट है, देखिए आज के टाइम में आप लोगों को हर डिवाइस पर 5-6 कैमरा देखने को मिल रहा है 20,000 की डिवाइस में भी, लेकिन सैमसंग 40,000 के 42,000 रुपीज़ की डिवाइस में हम लोगों को इस वक्त एक पंच होल एक नॉट दी है विच इज़ नॉट गुड. एंड इस फोन के बैक साइड की बात करें तो यहाँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है. तो मेन लेंस 48 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स, 5 का मैक्रो एंड 5 का डेप्थ. तो इसके कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले, क्योंकि आपको पता है सैमसंग का यूज़र हूँ मैं भी, और ये वीडियो भी सैमसंग के फोन शूट हो रही है, तो सैमसंग के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इस चीज़ का हम लोग को पहले से पता है. एंड यहाँ पर इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है. तो यह यहाँ पर इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती है, यानी ओवरऑल एक प्लास्टिक की बैग है जो हम लोग को इस फोन में देखने को मिल जाती है. एंड इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जैसे ब्लू वाइट, इस किस्म के वो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं. अब आते हैं इसके रैम रोम वेट, तो हमें आपको 4GB रैम एंड 128GB वेट का वेट देखने को मिलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. यहाँ पर जो उसमें प्रोसेसर दिया गया है वो है भाई हीलियो P65. अब यार ये जो ये रिगार्ड है जहाँ पर ये फोन मार खा जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोसेसर 25-30,000 वाले फ़ोन का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें हम लोगों को दिया गया बल्कि इससे भी अच्छा G70 आपको 25-30,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन हम लोग को सैमसंग में जो है वो P65 दे रहा है. तो ये P65 के अंदर आपको गेमिंग में लैग आएगा, पबजी में लैग आएगा, बहुत सारे गेम्स में लैग आएगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एक गेमिंग इंटेंसिव फोन हर चीज़ नहीं, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन लेता हूँ जो मुझे फ़ोन चाहिए होता है फिर मैं उसके रैम रोम वेट्स को हर चीज़ देखता, मैं उसके प्रोसेसर को देखता हूँ कि उसका प्रोसेसर कैसा है. जो भी फ़ोन सेलेक्ट करते हैं यार हम लोग प्रोसेसर को देखते हैं. सो यार अब बात करें फास्ट चार्जिंग, तो इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है, और सिर्फ स्टैंडर्ड 18 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर. और बाकी कुछ बात करें मेरी कुछ ओपिनियंस के रिगार्डिंग दिस फोन, तो यार ये उन लोगों के लिए जो यूज़ करते हैं सैमसंग, और किसी को चाहिए सैमसंग का नया फ़ोन तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप कोई और यूज़र हो आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता. ये इससे अच्छे अच्छे फोन मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, यानी कि Redmi Note 10S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 तक भी अच्छा है, और अभी Redmi Note 10S का एक लोअर वेरियंट भी आया 4GB RAM 64GB स्टोरेज में, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिया मुझे लगती है. सो मैं इसके लिए नहीं चाहूँगा. सो यार वीडियो पसंद है तो मैं करना लाइक, और या इस वीडियो को लाइक करें, लाइक्स का, और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दो, एंड मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट तक ये अल्लाह हाफिज़.